नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2 किलोवाट के सोलर पैक के प्राइस के बारे में। तो अगर आप भी एक सिस्टम लगवाने वाले हैं तो आज इस वीडियो में मैं सारी टेक्नोलॉजी के जो भी प्राइस कैलकुलेशन होंगे इस वीडियो में एग्जैक्ट बताने वाला हूं। तो अगर आपको सोलर के बारे में 0% भी नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखकर जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, अगर सोलर पैनल की बात करें तो यहाँ पर सोलर पैनल में आपको 4 टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है जो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। पहली होती है पॉली टेक्नोलॉजी, दूसरी होती है मोनो, तीसरी होती है हाफ कट और चौथी होती है बाईफेसियल टेक्नोलॉजी। अब यही टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है कि आपका जो सोलर का प्रोडक्शन होगा, मतलब आपका जो भी यूनिट जनरेट होंगी वो आपके सोलर पैनल पर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 किलोवाट का सिस्टम एक 9 यूनिट से लेकर 12 यूनिट तक की जनरेशन देता है। तो आप सोलर पैनल के हिसाब से ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितने यूनिट की जनरेशन मिल पाएगी। तो चलिए नंबर एक से शुरुआत करते हैं अपने सोलर पैनल से ही। दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले नंबर एक पर पॉली पैनल की बात करें तो पॉली पैनल का जो यूनिट जनरेशन होता है वो 1000 वाट का जो हमारा पैनल होता है वो पैनल 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की जनरेशन देता है। पॉली पैनल का जो प्राइस होता है वो प्राइस आपको मार्केट में आज की डेट में 28 रुपए से लेकर 30 रुपए पर वाट के अप्रोक्सीमेटली पड़ जाएगा। तो 2 किलोवाट का सिस्टम है तो 1 किलोवाट का हो गया 30,000 रुपए और 2 किलोवाट को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारा 60,000 रुपए का 2 किलोवाट का पॉली पैनल आएगा। इसके साथ ही मोनो पैनल की अगर बात करें तो मोनो पैनल का जो जनरेशन होगा वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 यूनिट तक का जनरेशन देखने को मिल जाएगा और मार्केट में इसका प्राइस आपको 32 रुपए से लेकर 35 रुपए पर वाट तक मिलने वाला है। तो मतलब अगर हम लोग 35,000 रुपए का 1 किलोवाट पैनल हो गया तो 2 किलोवाट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 70,000 रुपए का आपको मोनो पैनल पड़ेगा। तीसरा आता है हाफ कट पैनल, जिसको मैं सबसे ज्यादा सजेस्ट करता हूँ। इसकी प्राइसिंग भी आपको 35 रुपए से लेकर 38 रुपए पर वाट के हिसाब से पड़ती है। मतलब 1 किलोवाट पैनल की कीमत 38,000 रुपए होगी और जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही कीमत हमारी 76,000 रुपए का पैनल लगने वाला है। इसके बाद अगर आप बाईफेसियल के बारे में भी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। बाईफेसियल पैनल की कीमत आपको 45 रुपए पर वाट के हिसाब से मिलेगी, मतलब आपको 45,000 रुपए का 1 किलोवाट पैनल तो 2 किलोवाट पैनल आपको 90,000 रुपए का पड़ने वाला है। तो आपके जो प्राइसिंग की डिसाइडेशन होगा वो यहीं से शुरू हो जाएगा। अगर आप पॉली की तरफ जाते हैं तो आपको यही पैनल 60,000 रुपए का पड़ेगा, मोनो की तरफ जाते हैं तो 70,000 रुपए, हाफ कट की तरफ तो 76,000 रुपए और बाईफेसियल की तरफ तो 90,000 रुपए। बाईफेसियल पैनल आपको 6 से 7 यूनिट तक की जनरेशन देता है। हाफ कट पैनल की जो जनरेशन होती है दोस्तों 5 से 6 यूनिट आपको इजीली मिल जाती है। तो इस वजह से इसका प्राइस भी करेक्ट होता है और यहाँ से हमें जनरेशन भी ठीक ठाक मिलती है, इस वजह से हम लोग हाफ कट पैनल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये तो हो गई पैनल की बात, अब बात करते हैं इन्वर्टर की। दोस्तों, इन्वर्टर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है हमारे सोलर पैनल का, जिसका सोलर सिस्टम का, जिसको हम दूसरे नंबर पर रखते हैं। अगर आप एक 2 किलोवाट तक का सिस्टम लगा रहे हैं तो इसमें आज के डेट में मोस्टली 2.5 केवीए का इन्वर्टर यूज किया जाता है या आज के डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के 3 केवीए के इन्वर्टर देखने को मिल जाते हैं। इन्वर्टर भी हमारे 2 टेक्नोलॉजी के हिसाब से आते हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी हमारी PWM टेक्नोलॉजी थी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है हमारी MPPT टेक्नोलॉजी। अगर आप PWM टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15,000 रुपए तक इन्वर्टर मिल जाएगा, पर अगर आप MPPT की तरफ जाते हैं तो आपको 15 से लेकर 20,000 रुपए तक का इन्वर्टर मिल जाएगा। MPPT का फायदा ये होता है कि इसमें आप किसी भी टाइप के किसी भी टेक्नोलॉजी के पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि MPPT की VOC भी ज्यादा होती है और जो बड़े पैनल्स आते हैं हमारे हाफ कट हो गया, बाईफेसियल पैनल हो गया, इनकी भी VOC ज्यादा होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि PWM टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर में हम अपने इन पैनल को इंस्टॉल नहीं करा पाते। दूसरा एडवांटेज होता है कि यहाँ पर हमारी 30% ज्यादा इफिशियंसी मिलती है कंपेयर टू PWM टेक्नोलॉजी। तो PWM की जगह अगर आप MPPT की तरफ जाते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप 2 किलोवाट का सिस्टम ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है 24 वोल्ट का, मतलब इसके अंदर आपको 2 बैटरियां इंस्टॉल करनी होती हैं।
दो बैटरी में आपको आज की डेट में ट्यूबलर बैटरी का ऑप्शन तो पहले से भी मिलता था, पर अब आपको लिथियम बैटरी कॉम्बिनेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। पर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ट्यूबलर के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप लिथियम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर हम लोग 150 AH की किसी ट्यूबलर बैटरी की बात करें, वो टॉर ट्यूबलर या शॉर्ट ट्यूबलर, तो यहाँ पर टॉर ट्यूबलर की बात करते हैं, तो 150 AH की बैटरी का प्राइस आपको अप्रोक्सीमेटली 14,000 रुपए देना पड़ता है। हमारा 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो मतलब दो बैटरियां इंस्टॉल हो रही हैं, मतलब ओवरऑल 28,000 रुपए हमें अपने इस सिस्टम के लिए, बैटरियों के लिए यूज करने होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 प्राइस के बारे में जान लिया, और लोग इतना ही जानने के बाद वीडियो बंद कर देते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके साथ ही आपको कम से कम 20,000 से 25,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। और वो खर्चे कहाँ होते हैं वो भी चलिए एक एक करके बता देता हूँ। नंबर एक पे जो सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा होता है 3 किम के बाद, वो आता है हमारा स्ट्रक्चर का, क्योंकि स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग काफी हाई होती है। और अगर आप GI मतलब ग्लेवनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो इसकी कॉस्टिंग आपको 5,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से पड़ती है। तो 2 किलोवाट का सिस्टम है, तो आपका 10,000 रुपए इस स्ट्रक्चर का खर्चा होने वाला है। नंबर दो पर जो बड़ा खर्चा आता है वो आता है वायर का, और इसके साथ ही MC4 कनेक्टर का भी जोड़ लें, आपका अप्रोक्सीमेटली 2,500 रुपए तक का वायर लग जाता है, और 500 रुपए तक आपका MC4 कनेक्टर का खर्चा आता है। तीसरे नंबर पर आता है ACDB एंड DCDB बॉक्स, इसका खर्चा अगर जोड़ लें तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपए इसका खर्चा पड़ने वाला है। इन सभी खर्चों के साथ एक चौथा और खर्चा होता है जो हमेशा इग्नोर किया जाता है, वो होता है लेबर चार्ज। क्योंकि आप अगर सेल्फ से सिस्टम इंस्टॉल नहीं करा पा रहे, तो डेफिनेटली आपको लेबर चार्ज देना होगा, और ये लेबर चार्ज आपका 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक का हो सकता है। अब अगर आप ये सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, तो ये मानिएगा हाफ कट के साथ जाते हैं, तो आपको जो पर डे की यूनिट जनरेशन दोस्तों देखने को मिलने वाली है, वो 9 से लेकर 12 यूनिट तक देखने को मिल जाती है। जो अगर आप हाफ कट पैनल की तरफ जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 11 यूनिट तक मान लीजिएगा। बाईफेसियल का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो बाईफेसियल का अगर जोड़ेंगे तो ये खर्चा आपका और भी बढ़ जाने वाला है। तो ओवरऑल जब भी आप कैलकुलेट करें, तो 5% अप या डाउन जोड़कर जरूर चलें, क्योंकि इन्वर्टर में आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है। सोलर पैनल मोस्टली फिक्स प्राइस आपको ज्यादातर हर जगह मिल जाते हैं। बैटरी में आपकी चॉइस बदल सकती है कि आप 200 AH की बैटरी की तरफ जा रहे हैं या 150 AH की बैटरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपका वो खर्चा है जो आपको एक सोलर सिस्टम लगवाने के टाइम देना पड़ता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम था सूर्यांश, और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।